अगर आप एक रोड ट्रिप प्लान कर रहे हो तो मेरे आजमाए हुए 6 घरेलू नुस्खे सुन लो, काम आएंगे। अगर मैं 2-3 रातों के लिए ट्रिप प्लान कर रहा हूँ तो आई चूज अ डेस्टिनेशन बिटवीन 200-400 किलोमीटर्स ताकि वहां जाके एक्सप्लोर किया जा सके। और अगर मैं 7-8 दिन का ट्रिप प्लान कर रहा हूँ तो आई प्लान माय आइटनरी इन अ वे कि रोज 2-3 घंटे से ज्यादा मुझे गाड़ी ना चलानी पड़े। जब ड्राइविंग की बात आती है आई चूज 5 AM to 5 PM वाला स्केड्यूल। एक आध घंटा ऊपर नीचे हो जाता है बट इट्स बेस्ट कि आप डे टाइम में ड्राइव करके पहुंचो। अगर मैं किसी डेस्टिनेशन पे इस टाइम ड्यूरेशन में नहीं पहुंच पा रहा हूं तो आई टेक अ मिडवे हॉल्ट और अगर वो जगह अच्छी है तो उसे भी एक्सप्लोर कर लेता हूं। भाई अपनी गाड़ी चली जाएगी वाला एटीट्यूड बिल्कुल मत रखो, गाड़ी को हमेशा फिट रखो। गाड़ी का ब्रेकडाउन कहीं पे भी हो सकता है, गाड़ी खराब होने की वजह से एक्सीडेंट भी हो सकता है, कई जगह सपोर्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलता, आप बुरे फंस जाते हो और मिस हैपनिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इट्स बेटर कि आपके ट्रैवल पार्टनर को भी ड्राइविंग आती हो, टाइम टू टाइम स्विच करते रहो, रिलैक्स रहो, इससे आपको अननेसेसरी ब्रेक नहीं लेने पड़ेंगे और आप टाइम पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ड्राइविंग के टाइम मंचिंग के लिए आई कीप फ्रूट्स, नट्स, चॉकलेट्स एंड सैंडविचेस। तले मले खाने से दूर रहता हूँ, उसको खा के नींद भी आती है और पेट की औकात से ज्यादा गैस बनती है, गाड़ी का माहौल खराब होता है और खाना साथ में होता है तो आपको अननेसेसरी फूड ब्रेक नहीं लेने पड़ते, टाइम बचता है। जब जोश चाहिए होता है तो मैं सिद्धू का फैन हो जाता हूँ, गाड़ी चलाते हुए मूड खराब होता है तो स्पिरिचुअल हो जाता हूँ और टाइम पास करने के लिए मैं सिर्फ पॉडकास्ट चलाता हूँ। ये सब मेरे लिए काम करता है, आप भी ट्राई कर सकते हो और ऐसे टिप्स और चाहिए तो मुझे फॉलो कर सकते हो।